आईपीएल के मीडिया अधिकारों की नीलामी से अब तक बीसीसीआई को करीब 46,000 करोड़ की कमाई हो चुकी है। और इसके बाद बीसीसीआई ने पूर्व क्रिकेटरों जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं और पूर्व अंपायरों की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे कि बढ़ोतरी के बाद किस खिलाड़ी को कितने रुपए मिलने वाले हैं। प्रथम श्रेणी के खिलाड़ियों में जिन्हें पहले 15,000 रुपए मिलते थे उन्हें अब 30,000 रुपए मिलेंगे, जबकि 37,000 रुपए पाने वाले पूर्व टेस्ट खिलाड़ियों को अब 60,000 रुपए मिलेंगे और 50,000 रुपए पेंशन पाने वाले खिलाड़ियों को अब 70,000 रुपए मिला करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों की अगर बात करें तो जिन्हें अब तक 30,000 रुपए मिलते थे उन्हें अब से 52,500 रुपए मिला करेंगे। इसके अलावा 2003 से पहले संन्यास लेने और 22,500 रुपए पाने वाले प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों को पेंशन के तौर पर अब 45,000 रुपए मिला करेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भी कहा था कि ये बेहद जरूरी है कि हम अपने पूर्व क्रिकेटरों की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें। खिलाड़ी बोर्ड के लिए जीवन रेखा की तरह हैं और बोर्ड के तौर पर ये हमारी जिम्मेदारी है कि खेल से संन्यास के बाद हम उनका ख्याल रखें। अंपायर गुमनाम नायरकों की तरह हैं और बीसीसीआई उनके योगदान को समझता है। आपको बता दें कि बीसीसीआई को जब आईपीएल की नीलामी के बाद मीडिया अधिकारों की नीलामी के बाद जब पैसा मिला है तो उसके तौर पर बीसीसीआई ने ये एक बहुत बड़ी घोषणा की है और इस घोषणा की बीसीसीआई के इस ऐलान की इस वक्त खूब तारीफ हो रही है। लोग बीसीसीआई के इस फैसले की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीसीसीआई ने पूर्व खिलाड़ियों का ध्यान रखा, जिस तरीके से बीसीसीआई ने पूर्व अंपायरों का ध्यान रखा, ये एक बेहतर और सराहनीय कदम है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? बीसीसीआई के इस कदम को, इस ऐलान को आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।